नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आपके पार्टनर के करंट एनर्जी अभी की देख लेते हैं कि उनकी करंट एनर्जी आपके आपको लेके क्या है, क्या वो फील कर रहे हैं इस टाइम। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस टाइम क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने पार्टनर की करंट एनर्जी देखना चाहते हैं तो क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस टाइम, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं ये हम देखने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस टाइम क्या है, क्या वो फील कर रहे हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है पूरी तरीके से और हमेशा के लिए, ऐसे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है और आपके पार्टनर ने ये सब अपनी ज़िद में आके किया है, अपने घमंड के आने की वजह से ये रिश्ता उन्होंने ख़त्म कर दिया है, ऐसे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है। और आप अपनी फुल पावर में आ चुकी हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में इस तरह सोच सोच के परेशान हैं और अब उन्होंने इस बात के बारे में यानी कि सोचना भी बंद कर दिया है कि वो इस रिलेशनशिप में करेंगे तो करें क्या। इस टाइम उनकी करंट एनर्जी यही है और कुछ खो गया है उनका, जो बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा इंसान उन्होंने खो दिया है अपनी ज़िंदगी का, तो उस चीज़ से उनके अंदर डर बैठ गया है। अगर ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया है और ख़त्म हो जाएगा तो ये फ्यूचर में किस तरह करेंगे, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। आज की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी चूज़ की थी तो वहीं पे ये जो रिश्ता एकदम ख़त्म हो गया है थर्ड पार्टी को चूज़ करने की वजह से। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की और सारी बार वो यही बात सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग आप दोनों के रिश्ते में हैं और बहुत प्यार भरा रिश्ता इन्होंने ये जो है ख़त्म कर दिया है इस तीसरे इंसान की वजह से। और ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, प्यार बहुत था शुरू में इस इंसान का आपके साथ और इस इंसान ने फैसला भी आपके साथ रहने का किया था, लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी बीच में आई या दिखावे के लिए किया या इसने ये भी सोच के किया होगा कि चलो डिवाइन फेमिनिन को चिढ़ाते हैं या जेलसी की वजह से लगा लीजिए, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि कहानी इतनी बिगड़ जाएगी कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये वाली एनर्जी भी मुझे इन कार्डों से आपके पार्टनर की आ रही है। तो आपके पार्टनर के अंदर एक डर बैठ गया है, उस डर को यही है कि अगर वो रुक जाते हैं तो डिवाइन फेमिनिन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के पास कोई और आ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है आपके अंदर, क्योंकि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, खींचे चले आते हैं लोग आपकी तरफ। और ये एनर्जी आपके जो पार्टनर हैं वो उनको पता है अगर वो रुक गए तो डिवाइन फेमिनिन किसी और को पसंद कर लेंगी या कोई और डिवाइन फेमिनिन की तरफ आ जाएगा। और ये डेथ कार्ड का आना और सेपरेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि भाई इस एनर्जी से बाहर निकलो, लेकिन लोग बोल रहे हैं, लोग दोस्ती के लिए आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इंसान अभी बहुत दुखी है, एकदम दुखी है ये इंसान। ऐसी एनर्जी है आप लोगों की और आपके जो पार्टनर हैं उनको कहीं ना कहीं खोने का डर है किसी को, या कोई इंसान ऐसा है जो खोया है, या घर में कोई ऐसा है, जैसा कि मैंने सुबह स्पिरिचुअल जर्नी के लोगों को बोला था कि कुछ एक गुड न्यूज़ होती है, एक बैड न्यूज़ भी होती है, ये न्यूज़ भी आपको सुनने को मिल सकती है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की लव रीडिंग में निकल के आई है। आपके पार्टनर एक्शन तो लेंगे लेकिन पूरी तरीके से नहीं है उनका एक्शन, आएंगे और आके चले जाएंगे, ये वाली एनर्जी में है। आप दोनों एक दूसरे को जज करना बंद कर दीजिए, उल्टी सीधी बातें कहनी बंद जो है कहनी छोड़ दीजिए एक दूसरे से। और जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत दुखी हैं इस टाइम ना, इस टाइम ये वाली फीलिंग है आपके पार्टनर की फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि सब कुछ खो देना और फिर पछताना उस बात को लेके।
इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जो प्यार है वो प्यार अब आपके लिए जो है बाहर निकल तो रहा है, लेकिन वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस बात का डर इस इंसान के अंदर बना हुआ है। एक नए रास्ते पे ये चल रहा है, एक नई शुरुआत करने के लिए। द फूल का कार्ड है, फूल का कार्ड नई शुरुआत को तो बताता है, लेकिन जो जिस हिसाब से मुझे एनर्जी इस कार्ड से आ रही है वो यही आ रही है कि ये चल पड़ा है, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई और रिश्ता भी आ रहा है तब भी ये ले लेगा, आ रहा है तो भी ठीक है। अगर चौथा इंसान इसकी ज़िंदगी में आ रहा है तो भी ठीक है, लेकिन ये आपको भुला नहीं पाएगा। आपको लगेगा कि ये ठीक है, क्योंकि फूल की एनर्जी है। फूल एक ऐसा इंसान है जो चल रहा है, उसे सब कुछ भा रहा है, सब कुछ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है, लेकिन इसके अंदर पेन आपको लेके है। सामने वाले को लगेगा कि वो खुश है, फूल की एनर्जी में वो खुश है, लेकिन इसको पता ही है कितना काम कर रहा है इस रिश्ते के बचाने के लिए, और इसने बहुत साल लगाए हैं इस रिश्ते में, तो ये ऐसे छोड़ने वाला नहीं है रिश्ता। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। मैं सुबह फिर आऊँगी करंट एनर्जी लेके, और बने रहिए आप हमारे चैनल पे, और मुझे मैसेज अभी मत कीजिए क्योंकि अभी मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। जब मैं रीडिंग करूँगी तो मैं यहीं पे बता दूँगी। ट्विन फ्लेम रीडिंग जो होती है और सेशन होता है उसके बहुत चार्ज होते हैं थोड़े से ज़्यादा। अगर आप नॉर्मल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप, मैं आपको ये यूट्यूब पर ही बता दूँगी। अभी नहीं मैं रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं फिर आऊँगी नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।